साकिब की शादी सायरा से। हम लोग साकिब के लिए सायरा का रिश्ता मांगने आए। डैडी और मम्मी का एक्सीडेंट। ये घर और इस घर में मौजूद तमाम प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रहेगी। तुम अगर जाओ तो ये सब कुछ ले लो, बस मेरे दामाद। अगर तुम उसे शादी करते हो ना, तो आंटी ने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी सारी जायदाद उस लड़के के नाम कर देंगे जो शफक से शादी करेगा। क्या कहा तुमने? मुझे मेरी नेकी का सना मिल गया। मेरी शादी हो रही है ना फारूक के साथ, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। साथ मुझे ना एक बाबा ने कहा था कि मुझे कोई अरबपति मिलने वाला है। बाबा अरबपति कुछ ज्यादा नहीं हो गया? करोड़पति मिल जाए। करोड़पति इंशाल्लाह अब तो हम आते रहेंगे, तुम भी आना कभी। क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, तुम भी जरूर आना और सारा को जरूर साथ लेकर आना। मैं तो आ जाऊँ खाला, लेकिन मुझे आपके घर का ही नहीं पता, किसके साथ आऊंगी? मैं ले जाऊंगा आपको। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा, पहले तो आ ही नहीं रहते और अब। ये कौन है? आपने इनका तारुफ नहीं कराया, ये तो उस वक्त से आपके साथ साथ हैं। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है शफक, मेरे बारे में सब कुछ जानती है। शफक, नाइस नेम। अब तो आपसे भी दोस्ती करनी पड़ेगी शफक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई साहब, कैसे हो? जी बिल्कुल सही। पढ़ाई कैसे जा रही? हाँ जी अच्छी जा रही है। गुड गुड। वैसे पिछले साल तुम्हारे अकाउंटिंग में कुछ मार्क्स अच्छे नहीं थे। हो क्या हो गया, बच्चा है पढ़ लेगा, और वैसे भी इसे कौन सा पढ़ लेकर नौकरी करनी है। मुलाजमत में क्या बुराई, मैंने भी तो मुलाजमत की है ना, बिजनेस तो अब शुरू किया है। तो अब ये बिजनेस ही करेगा ना। तुम इसको मत बिगाड़ो। ताकि आज 3 बजे तुम मेरे ऑफिस आना, एक जरूरी काम है। ओके श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आना हो? वो फोन किया था कि खाला को लेने आऊंगा। अच्छा आ जाना था आपने। हाँ अम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है,
वो तो शायद ना जा पाए। अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। सुने, मैं तो मजाक कर रही थी, आए अंदर। अरे बेटा क्या बताऊं, अब तो मेरी टांगों ने भी जवाब दे दिया, मैं तो बिल्कुल नहीं चल सकती। खाला आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, इस तरह क्लिनिक के डॉक्टर से थोड़ी ठीक होगा सब। वो मैं आपको फोन करती रही, आपका नंबर ही बंद था। मुझे फोन किया था? मेरा नंबर तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। ओ हाँ, वो शायद कभी कभी सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर खाला चलें? अब नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ, फिर किसी और दिन। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है अम्मी, मुझे खाला का घर देखने का बहुत शौक है। तो ठीक है आप चलें। अरे कैसे चलो, भला बताओ अकेली लड़की को किस तरह से भेज सकती हूँ मैं, महल्ले वाले बातें बनाएंगे, अब मैं इसको इस तरह से अकेला नहीं भेज सकती बेटा। अम्मी दुनिया का हर काम मैं करती हूँ, स्टोर से जाके सामान लाती हूँ, तंदूर से रोटियां भी मैं लाती हूँ, तब मोहल्ले वाले बातें नहीं करते। वो तो ठीक है, मगर गाड़ी में इस तरह से अकेला नहीं भेज सकती तुम्हें। मैं हूँ ना, मैं चला जाऊंगा सायदा के साथ। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा एक नकारा भाई भी जो कभी कभी काम भी आ जाता है। अम्मी प्लीज हमें जाने देना, हम लोग जल्दी आ जाएंगे घर वापस, प्लीज अम्मी। अच्छा बेटा देखो, इसे जल्दी वापस ले आना। जी जी जरूर, मैं जल्दी ड्रॉप कर जाऊंगा इनको। चलें 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 अम्मी, आ जाएंगे जल्दी, फिक्र मत कीजिएगा, वापस। सारा बेटा तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हें हमारा घर कैसा लगा। बताने लायक कोई लफ्ज हो तो बताऊंगा, खाला आपका घर बहुत खूबसूरत है, जी चाहता है कि बस देखते रहो। तुम्हें पता है इस घर की खास बात क्या है? यहाँ की हर चीज साकिब की पसंद की है। और मेरी खास बात यह है कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अच्छा तुम लोग बैठ कर बातें करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। आपका घर वाकई बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, तुझे तो आइसक्रीम नहीं खानी। बन गया भी। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं आपको ड्राइवर के साथ भेजते हैं, वो आपको आइसक्रीम भी दिलाएगा, बर्गर भी खिलाएगा, ठीक है? रहीम, रहीम बात सुन, इनको ले जाइए, इनको बर्गर खाना है और आइसक्रीम दिलाना है। वैसे आप करते क्या हैं? पढ़ रहा हूँ और उसके साथ साथ मोहब्बत भी शुरू करती हूँ। पूछोगे नहीं वो कौन? पता नहीं आप बताना मुनासिब समझे भी या नहीं। मैं तो बताना चाहता हूँ, कल तुम्हारे घर शादी में देखा उसे। हमारे यहाँ शादी में? हाँ, उसने डांस भी किया था। चलती हूँ। सुनो उसका नाम नहीं पूछू? अच्छा तुम नहीं पूछना चाहती लेकिन मैं जरूर बताऊंगा, मेरी खाला की बेटी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। खाला की बेटी से शादी करनी है तो खाला से बात करनी पड़ेगी। कहाँ है साकिब? वो जिम गया है। वेरी गुड, अच्छी बात है या नहीं है, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं।
बात ही ऐसी है, वो मेरे पार्टनर है ना शम साहब, वो ऑफिस आए थे, उन्होंने साकिब को देखा, बड़े इंप्रेस हुए। जाहिर है मेरा बेटा है ये ऐसा। हाँ लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मांगा है। रिश्ता? फिर क्या कहा आपने? आई थिंक इट्स नॉट अ बैड प्रपोजल। देखो वो मेरे बिजनेस पार्टनर तो है ही, लेकिन अगर रिश्तेदारी भी हो जाए तो क्या मुजायका। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट। सपोर्ट रिश्ते के लिए? नहीं नहीं बिजनेस के लिए। देखिए भाई, बिजनेस को साकिब की शादी से दूर ही रखे तो अच्छा है। तुम्हें क्या हुआ? साकिब मेरा भी बेटा है। मैंने कब कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, और तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला किया है, साकिब की शादी सायरा से ही हो। क्या बात कर रही हो, जानती हो ना सायरा किसकी बेटी है? सायरा मेरी बहन की बेटी है। तुम्हारी बहन ने किस तरह शादी की थी याद है तुम्हें? घर से निकलकर एक ऐसे आदमी के साथ जो हमारे खानदान को नाकाबले कबूल था। ऐसी औरत की बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कर दूं? इम्पॉसिबल। तेरा आपने बुलाया? हाँ बेटा बैठो। जी रात को तुम्हारी मॉम से मेरी बात हुई। अच्छा फिर? मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ शम साहब की बेटी के साथ। क्या हुआ? देखो बड़ी मुश्किल से मैंने ये इमेज बनाया और मुझे उम्मीद है कि तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ। मैंने हमेशा ही वो किया जो आपने कहा, लेकिन तो फिर जाओ अपनी माम को समझाओ कि कीचड़ को जूतों के साथ घर में नहीं लाते, जो जहां है उसे वहीं रहने दे। और मैं चाहता हूं कि ये एंगेजमेंट सेरेमनी को मैं यादगार बना दूं। हाँ भाई हमारे बच्चों की एंगेजमेंट होने जा रही है, कोई मामूली बात थोड़ी है। तुम्हारे लिए ये एंगेजमेंट सेरेमनी वैसे भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब? मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे की एंगेजमेंट हो जाना इस बात की गारंटी है कि अब तुम इलीट क्लास में शामिल हो जाओगे और इस तरह तुम्हें बिजनेस के कई और मौके मिलेंगे और तुम्हें लोग इस वजह से भी जानेंगे कि अब तुम शम्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर के न सिर्फ पार्टनर हो बल्कि रिश्तेदार भी हो गए। तुम्हारी तो क्लास ही बदल जाएगी मिस्टर बाय। बाय दी वे तुमने ये नहीं बताया कि साकिब का क्या रिएक्शन था जब उसे पता चला कि वो शम्स ग्रुप और कंपनी के घर का दामाद बनने जा रहा है। मेरा मतलब है कि शम्स ग्रुप और कंपनी के घर का एक लौटा दामाद। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि मेरा दामाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का हो गया है। उनके मामला से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि देखो शादी के बाद जो है ना वो माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट लड़के के माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट वो मुनासिब नहीं होता। और मेरे पास बहुत सारी दौलत है किसके लिए? मेरी बेटी के लिए और मेरे होने वाले दामाद के लिए। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है। आई एम श्योर के तुम मेरी बात समझ रहे हो। कब चलना? क्या कहा आपने? देखो अगर एक बार और पूछा ना तो मैं अपना इरादा बदल दूंगा। फाइव मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरा मतलब तुमने लड़की देखी है कैसी है? आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, बिल्कुल परी जैसी है। आओ बैठो यहाँ पर।
भाई साहब बैठिए ना आप, बैठो भाई साहब, आप ठीक से बैठिए ना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है सालिया, खैरियत तो है, इतनी घबराई भी क्यों? हाँ हाँ सब ठीक है, वो इतने अरसे के बाद आई हूँ ना। भाई साहब आप ठीक से बैठे ना, आप आराम से बैठिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा नजर नहीं आ रही, वो अपने दोस्त है ना शफक, उसके यहाँ गई है। ये है मेरी बेटी की दोस्त। और ये है मेरी शफक। अस्सलाम। क्या लाऊं आपके लिए, क्या पियोगी बताओ ना जल्दी से, ठंडा लेकर आती हूँ। हाँ अरे भाई चाय वाय को छोड़ो, दरअसल हम लोग सायरा का रिश्ता मांगने आए हैं। क्या हुआ? नहीं वो फिर से कहना तुमने क्या था? मैं कह रही हूँ कि हम लोग साकिब के लिए सायरा का रिश्ता मांगने आए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही है? मेरी बहन बैठो, मैं समझाऊं। बैठ। दरअसल उस दिन जब मैं शादी पर आई तो मैंने सायरा को देखा तो मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे भी ऐसी खूबसूरत बहू दे। मुझे क्या मालूम था कि वही मेरी बहू बन जाएगी। अच्छा वैसे तुम्हारा क्या ख्याल? तुमने मुझे कुछ सोचने लायक छोड़ा है क्या? मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत माँ कौन हो सकती है? बेटी भी आकर तुम्हारे घर जाएगी। इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी को कम से कम वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा जो उसकी माँ ने बर्दाश्त। और रही बात साकिब की, अरे साकिब तो मेरा बच्चा है ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अल्लाह ने शायद हमें इसीलिए बेटी नहीं दी थी कि हम इसी को अपनी बेटी समझ कर रखें। भाई साहब आपने तो अभी मेरी सायरा को देखा भी नहीं। हाँ मिला तो नहीं, वो मिलने के लिए आया हूँ और मैं देखना चाह रहा था कि वो कौन सी लड़की है जिसने मेरे घर में हलचल मचा दी है। मिल लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। लो बताओ, बातों में भूल ही गई। अरे कुछ लेकर आती हूँ, अभी लेकर आई मैं चलती हूँ। नहीं यार पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं खाना बनाने के बाद ना गैस खुली छोड़ आई हूँ। आजकल तो गैस का बिल भी इतना आ रहा है, दुआ करो अम्मी किचन में ना गई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। बहुत शौक है, फुल ऑफ लाइफ। हनी मुझे ऐसी लड़कियाँ बहुत पसंद है, आप सायरा से मेरी शादी की बात कर सकती हैं प्लीज? सायरा क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, खालू घर पे आए थे, उन्होंने मेरा हाथ मांगा। सिर्फ हाथ नहीं, पूरी की पूरी मांगी हो। अम्मी मैं उस घर में रहूंगी मालकिन बनके। अम्मी कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं करी ना? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पैसों के मामले में कोई मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भला क्यों मजाक करने लगी तुमसे? तुम्हें पता है वो तो मंगने के लिए भी कह रहे थे। उसने तुम्हें मना कर दिया? क्यों भाई, खुद कोई शाहिद आफरीदी था? नहीं ना, देखना तुम सारी जिंदगी अपनी सी गलती पे रोएगा वो। नहीं इसमें ऐसी कौन सी बात, हर कोई अपने लिए एक से बढ़ के एक ढूंढता है। हाँ हाँ पहले ढूंढते हैं, जब मिल जाती है तो उसकी ऐसी दुर्गत बनाते हैं कि बस। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने क्या आंटियों वाली बातें शुरू कर दी? वो क्या है ना यार, जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर की औरत बाहर आ जाती है। खैर छोड़ो, कल तुम आ रही हो ना, देखो
कल मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है तो मैं आना है। अगर नहीं आओगी ना तो मैं आंटी से सोर्स लगवा लूंगी। नहीं सायरा, सोर्स की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मेरी इकलौती दोस्त की मंगनी है, मैं आ जाऊंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओहो बेटा ये क्या कह रहे हो, अभी शादी में टाइम है, आज तुम्हारी मंगनी है? वो एक्चुअली डैड फिल्मों में ऐसे ही कहते हैं ना, आई थॉट कि मुझे भी ऐसे कर। फिल्मों में पूछते थोड़ी ना, बस लड़की को उठा के ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम आज मुझसे मंगनी और फिर आगे जाके शादी करोगी प्लीज? अरे भाई सायरा ये तो चीटिंग है, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह से बोलो। हाँ। क्या कहा? नहीं। मैंने कहा हाँ। ये हुई ना बात। लाओ ना। ओ। अरे अरे साकिब ये क्या किया तुमने? I'm so sorry. Yeah. Wow. मुबारक भाई, इस खूबसूरत दिन, इस खूबसूरत मौके पर मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस खूबसूरत जोड़े के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी जिसमें हम सारे मेहमानों को बुलाएंगे और हम बहुत मजा करेंगे। अरे वाह, आज तो मेरे फोन के नसीब जाग गए हैं। क्या बात है जी, सायरा साहिबा ने खुद कॉल किया है। आई एम सो हैप्पी। वो अम्मा है ना, हर खुशी के मौके पर बुरी बुरी बातें करती हैं। कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है मंगनी के बाद सेलिब्रेशन करने की। अच्छा फिर क्या, मैंने भी सुना दी, मायरा भी साथ ही बैठी थी, उसका फोन मैंने अम्मा को पकड़ाया और मैंने कहा कि खाला को फोन कर दें। वैसे ना मैंने कह तो बहुत कुछ दिया लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि अम्मी कहीं वाकई में खाला को फोन ना घुमा दें। तुम खाला को बोलना कि अम्मी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सेलिब्रेशन का सबको बता चुकी हूँ साकिब। ओहो सायरा क्या हो गया तुम्हें, इतनी सी बात पे इतना कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं होता, मैं मम्मी को समझा दूंगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि खाला उनको फोन करेंगी। तुम्हें अम्मा का नहीं पता, वो सब कुछ कर सकती हैं। साकिब ये सेलिब्रेशन नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा ना, बस कोई मसला नहीं है, मैं देख लूंगा। सुनो एक बात बताऊं, तुम्हारी आवाज फोन पे भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तुम्हारे भरोसे ही तो जी रही हूँ, अब प्लीज घर जल्दी चले जाना। ब्रेसलेट है तुम्हारे लिए। वाह कहाँ से लिया? बनवाया है तुम्हारे लिए स्पेशली, लाओ पहना दो तुम्हें। डबल एस साकिब एंड सायरा। छोटी सी कलाई है तुम्हारी, क्यूट, बहुत प्यारा है। थैंक यू, लुकिंग नाइस। हाँ
चले उठे साकिब भाई, आज हम एक गेम खेलेंगे। ओके ओके, अभी खड़े रहे। कहाँ जाना है? क्यों लाइन में आ जाओ, लाइन में। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? आए, नजर तो नहीं आ रहा। ये नहीं है। नो। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है, बट आई थिंक देयर यू आर। तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखें नहीं चाहिए। आई लव यू। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ थी, करीब करीब था मैं। साकिब भाई, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया ना। आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो जी, जी बात कर रहा हूं। क्या कौन? क्या क्या हुआ साकिब? क्या हुआ, किसका फोन था? डैडी और मम्मी, मम्मी का एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में हो। साकी बेटा, हिम्मत से काम लो। देखो अब तुम्ही को सब कुछ देखना है। तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? मेरी तो दुनिया से वीरान हो गए, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे सिखाया ही नहीं है अपने बगैर जिंदा रहना। सब कुछ खत्म हो गया गाला। तुम तो बहुत अच्छे वाले बेटे हो ना, हमारा हमेशा कहा करती थी मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, कड़े से कड़े वक्त में डट के मुकाबला कर लेगा। आप खुद बताए मुझे किसके सहारे मुकाबला करूंगा। एक गुजारिश है आपसे, बस अब आप मुझे छोड़ के कभी ना जाइएगा। आपके और सायरा के अलावा मेरा और कोई नहीं है खाला, आप अब मेरे साथ रहिएगा बस, हमेशा हमेशा। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी बेटा, मैं तुम्हारे पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अपने बच्चे को छोड़। बहुत अफसोस हुआ यार, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे वक्त में तुम उनके साथ हो। हाँ, साकिब भी बहुत अपसेट थे, लेकिन यार तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, सासू सा के इंतकाल के बाद मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई है। तौबा है सायरा, तुम इस वक्त भी ऐसी बातें कर रही हो? हाँ कसम से, मतलब बुरी बातें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब ना मैं इस घर में अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस कर रही हूँ।
ये सब कुछ तो तुम्हें वैसे भी मिल ही जाता सायरा। बस जल्दी से मेरी साकिब से शादी हो जाए और अम्मी चली जाए यहाँ से। वैसे उनका तो बस नहीं चलता कि साकिब से मुझे शादी के बाद भी ना मिलने दे। खुदा के लिए बस कर दो, कम बोला करो। तो और नहीं तो क्या, तुम खुद बताओ अगर तुम्हारी साकिब से शादी होने वाली होती तुम मिले बगैर रहती उससे? मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ सायरा, होना ही होना चाहती हूँ। मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। खैर मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। किसी तौर पे मैं अपनी बच्ची के लिए ये खुशियां खरीदूंगी। मैं उसे एक मजबूर माँ की मजबूर बेटी नहीं बनने दूंगी। सिर्फ एक साल के लिए बाकुल। कोई ऐसा शख्स चाहिए जो चुपके से मेरी बेटी की जिंदगी में बाहर ले आए और मेरी बेटी को हर खुशी दे दे। अम्मा बताएं कैसी लग रही हूं मैं? ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? हुलिया? मुझे सूट अच्छा लगा, साकिब ने दिला दिया, मैंने पहन लिया। तुम्हें जरा सी शर्म लिहाज है कुछ या नहीं? अरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है? अम्मा मैं तो बस। क्या मैं तो बस? अपने जज्बात को ना कुछ अरसे के लिए काबू में रखो। 40वां हो जाए तुम्हारा निकाह हो जाए, फिर जो दिल चाहे तुम करना। अम्मा जब साकिब को कोई एतराज नहीं तो आपको क्यों एतराज? साकिब का एतराज उस वक्त तक माने नहीं रखता जब तक कि तुम उसके निकाह में ना चली जाओ। वो तुम्हारा सिर्फ कजन है। और मंगेतर भी। बस मंगेतर, वही तो कह रही हूँ शादी भी होने वाली है। देखो सायरा, मेरा यहाँ पे रुकने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे कोई लालच है या मैं किसी के दौलत की वजह से यहाँ पर हूँ। मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से यहाँ पर रुकी हूँ, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरी आंखों के सामने जो कुछ होता रहे मैं खामोश रहूँ और बर्दाश्त करती रहूँ। अम्मा आपको क्या हो गया है? दुनिया चांद तक पहुँच गई, आप अभी तक यहीं बैठी हैं। तुम कपड़े बदल रही हो या नहीं? मैं नहीं बदल रही सायरा। अच्छा बदलती हूँ, हाँ मेकअप भी उतारती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। साकिब साहब मैं वकार, वकार खान। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? अगर आप किसी बैंक वगैरह से हैं तो थैंक यू वेरी मच, मुझे किसी किस्म की सर्विसेज नहीं चाहिए, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड बनाना। क्रेडिट कार्ड तो आप बनवा कर इस्तेमाल भी कर चुके हैं, पेमेंट नहीं करेंगे? सब क्या है मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद के कारोबार की सारी इन्वेस्टमेंट ही शमशाद की थी? जी हाँ जानता हूँ। लेकिन साकिब साहब आप शायद ये नहीं जानते हैं कि आपके वालिद ने ये घर शमशाद के पास गिरवी रखवाया था कि इन केस अगर कोई नुकसान होगा तो ये घर शमशाद का हो जाएगा। ये साहब जो मेरे साथ हैं ये बैंक से हैं, इनको अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स शम साहब की तरफ से हैं, क्योंकि फाइक साहब तो अब रहे नहीं, उन्हें ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है तो उन्हें ये घर बेचना पड़ेगा। ये घर बेचना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं आप?
मैं शम साहब से खुद बात करूंगा। हमने आपके ऑफिस में मुसलसल नोटिसेस भेजे हैं लेकिन नो रिस्पॉन्स। तो मैं आपको यही बताने आया था कि ये घर और इस घर में मौजूद तमाम प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रहेगी। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत देंगे? 3 दिन, 3 दिन हैं आपके पास तमाम क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट और शम साहब की इन्वेस्टमेंट वापस करनी होगी। और अगर 3 दिन में आपने ये इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ बैठने नहीं आया। तो फिर? तो फिर क्या, ये ऑफिस मेरे डैड का भी है। ये ऑफिस में तुम्हारे डैड का था? क्या तुम्हारे डैड ने कभी कुछ नहीं बताया कि सारी इन्वेस्टमेंट मेरी थी? सब कुछ आपका ही था। आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे डैड का कुछ था ही नहीं? हाँ हाँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा काफी नुकसान हुआ। मुझे तुम्हारे डैड की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन ये बिजनेस है, इसमें लगाई हम दोनों की रकम डूब गई है। तेरे पास ऑप्शन था, इसलिए मैं घर बेचने के बारे में सोच रहा हूं। वो घर तो हमारा घर है, बचपन से वो घर मेरा है। आई एम सॉरी साकिब, मैं तुम्हें उस घर से ना निकालता, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। सर, कैसे हो सकता है कि डैड के पास कुछ था ही? इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारी डेट के समझ ला ली है, मैं फ्रॉड हूं, नो प्रॉब्लम, जाओ कोर्ट, वकील करो और केस करो, मैं पूरा हिसाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हें फिर से मिल सकता। वो कैसे? बैठ। कहिए, क्या कह रहे हैं? तुम अगर चाहो तो ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता, बस मेरे दामाद। दामाद या घर दामाद? घर भी और दामाद भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इससे तो बेहतर है मैं कहीं नौकरी कर लूं। जब मालिक बन सकते हो तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? कब तक उन फकीरों के साथ उस झोपड़पट्टी में रहोगे? जुबान संभाल के बात करें। मैं यहाँ पे आपसे भीख लेने नहीं आया, ना ही अपनी स्त्री के मशवरे लेने आया हूँ। मेरे हाथ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाके रहो उन फकीरों के साथ, 2-4 दिन में जब मोहब्बत का भूत उतर जाएगा तो एड़ियां रगड़ते हुए आओगे मेरे पास। उस शख्स ने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ, बहुत बड़ा। खाला, यहां तक के तो ये घर भी हमारा नहीं रहा। साकिब आप मजाक कर रहे हैं? क्या कह रही हो बेटा, वो पहले बहुत परेशान है। साकिब खुदा के वास्ते कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तुमने जो भी सुना है सब सच है, हमें घर छोड़ना होगा। साकिब ये कैसे हो सकता है? आप किससे मिल के आए हैं, मुझसे बात कराए उनकी? मैं उनसे कहती हूँ कि हमें इस घर से मत निकालें। प्लीज साकिब, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा साकिब प्लीज ना, मुझसे बात करवाएं, मैं बात करती हूँ उनसे।
शफा को ब्रेन ट्यूमर है तो खुद उसके साथ अपना गम बांटने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो खुद इतने बड़े गर्भ से गुजर रही है। बस बेटा सारे टेस्ट और चेकअप करवाए, हर डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन सबने यही कहा, हर एक ने यही बात कही कि बस मुश्किल से एक डेढ़ साल है मेरी बच्ची के पास। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे अचानक ही ब्रेन ट्यूमर हो गया। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं किस्मत से लड़ जाऊंगी। किस्मत से लड़ेंगी लेकिन कैसे आंटी? अगर मेरी बेटी की किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हुई तो मैं खरीद लूंगी, मैं उसके लिए खुशियां खरीदूंगी। कुछ समझी नहीं। मैंने सोच लिया है कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा मैं उसे अपनी सारी दौलत दे दूंगी, बस एक डेढ़ साल के लिए वो मेरी बच्ची को वो खुशियां दे दे जिनके लिए वो तरसती रही है। आंटी आपके पास तो बहुत सारी दौलत है, आप सब कुछ उसके नाम करते हैं। हाँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे पास, दो फैक्ट्रीज, कुछ प्लॉट्स, सब कुछ उसके नाम कर देंगे। सब कुछ नाम कर देंगे? हाँ, सब कुछ। सायरा क्या हुआ, क्या कर रही हो? खाना आ जाएंगी? नहीं आएंगी, वो बराबर वाले घर में गई हैं। अच्छा माफ किया। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगी। साकिब मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ना तो तुम्हारे पास कोई डिग्री है और ना ही तुम्हें कोई और काम करना आता है। क्या मतलब? देखो साकिब, मैं ना तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। किस हालत में सायरा, क्या किया मैंने? तुम बार बार मुझे इस बात का एहसास क्यों दिलाती हो? साकिब मेरी बात तुम गौर से सुनना, हो सकता है तुम्हें मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे वो तुम्हें तमाम चीजें मिल सकती है जो तुम चाहते हो। कोई बैंक लूटने का प्लान है क्या? तुम शफक से शादी कर लो। बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कहा है? साकिब मैं बकवास नहीं कर रही, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ डेढ़ साल की तो बात है। यू मीन डेढ़ साल? कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारी दोस्तों से? शफक को ब्रेन ट्यूमर है साकिब, और डॉक्टर ने उसे सिर्फ डेढ़ साल का वक्त दिया है। देखो अगर तुम उसे शादी करते हो ना तो आंटी ने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी सारी जायदाद उस लड़के के नाम कर देंगे जो शफक से शादी करेगा। सिर्फ डेढ़ साल की तो बात है साकिब, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं तुम क्या कह रही हो, तुमसे बहस ही नहीं है, तुमसे तो बहस करना बिल्कुल फजूल है। साकिब मेरी बात तो सुनो। अरे साकिब क्या हुआ बेटा, क्या बात है, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? पूछिए इससे, ये बताएगी क्या हुआ। बताओ तुम, क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, मैंने तो बस इतना कहा था कि मेरी दोस्त शफक से शादी कर लो, उस पे नाराज हो गया। क्या क्या कहा तुमने? कब से तुम्हारा वेट करो नीचे खाने पे, ये लो अब खाना खा। तुम जाओ यहाँ से। सारा प्लीज, खामखा की फजूल बात नहीं। मैं फजूल बातें नहीं कर रही और ना ही मुझे फजूल बातें करने का शौक है। हो गया है तुम्हें, तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम कह क्या रही हो? ये तो छोटी बात है, मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता सायरा, तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की से। मैं भी तुम्हारे बगैर रहने का नहीं सोच सकती, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत होती है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरा दिमाग खराब नहीं है, बिल्कुल सही है मेरा दिमाग। क्या अच्छी जिंदगी गुजारना इतना बड़ा गुनाह है? तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैंने कहा था कि इसको खाना मत देना, ये इसी तरह से जहर उगलती रहेगी। मैं जहर उगल रही? जहर तो आपने उगला है मेरे खिलाफ, जिंदगी में मेरे लिए किया है क्या आपने? सायरा और नहीं तो क्या, सारी जिंदगी जो भी चीज लाई हमेशा मायरा के हिस्से में आई, बचपन से वो ही चाहती रही है आपकी।
अब अगर मुझे खुशी मिल रही है तो आपको जलन हो रही है? आवाज बंद कर लो वरना मैं लगा दूंगी तुम्हें। लगाएं, लेकिन इस बार इतनी जोर से लगाएगा कि मैं अच्छे वक्तों के ख्वाब देखना ही भूल जाऊं। तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि तुम दौलत के नशे में अंधी हो चुकी हो। अरे ऐसा ना हो कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ दौलत रह जाए और उस दौलत के नशे में तुम ये भी भूल जाओ कि तुमसे कौन कितना प्यार करता है। तो मैं उससे मांग रही हूँ जो मुझसे प्यार करता है। आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप मेरी खुशियों से दूर रहे बस। अगर मैं शफल से शादी कर लूं तो तुम खुश हो जाओगी? साकिब ये क्या कहा तुमने? अम्मी एक सेकंड, आप चुप रहे, उसे बोलने दें। बोलो। मैं पूछ रहा हूँ अगर मैं शफल से शादी कर लूं तो तुम खुश हो जाओगी? जाहिर सी बात है मैं बहुत खुश होंगी। तुम करोगे शफल से शादी? वाह सायरा वाह, क्या गेम खेला है तुमने। अभी काम काज नहीं, जब देखो यहाँ आकर मक्की हो। बात को मत घुमाओ और मुझे बताओ तुमने साकिब को शफा के पास क्यों भेजा है? तुम तो ऐसे पूछो जैसे मैंने साकिब को नहीं बल्कि तुम्हारे मियाँ को भेज दिया शफा के पास। तमीज से बात करो, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। मुझे लगता था कि ये सब तुम्हारा बचपना है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा लालच है कि बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। साकिब ने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए? साकिब ने वाकई जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, पर आगे जो कुछ भी होगा उसमें हम दोनों का ही फायदा है। लेकिन तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, किसी को भी मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार हूँ। किस कदर बस जबान हो गई हो तुम, दिल चाहता है कि तुम्हारी जबान खेस डालूं मैं। तुम्हारी यहाँ कोई घास चढ़ने गई है क्या? मैं बदमाश हो गई तो आपने अपनी जवानी में क्या किया? तब आपकी अकल कहाँ गई थी? सायरा तो और नहीं तो क्या, खुद तो जवानी में जो दिल चाहा कर लिया, घर छोड़ दिया, एक ऐसे बंदे से शादी कर दी जिसका अपना कोई खानदान नहीं है। क्यों किया ऐसा? अगर किसी मामूली टीचर से शादी ना की होती ना तो हम लोग आज किसी बड़े घर में बैठे होते इज्जत के साथ, गाड़ी भी होती हमारे पास। मेरी दुआ है बेटा कि अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अम्मी आप छोड़ने से ये पागल हो गई, आप मेरे साथ चलें, मेरे घर चलें, मैं यहाँ पे इसके साथ आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी क्या हुआ? अम्मी अम्मी कैसी तबीयत है अब आपकी? अच्छे से कर अम्मी, आप ठीक हो जाए, आप कराएंगे मेरी शादी। अम्मी उठे ना, अम्मी पट्टी बांध कर मैंने गलती से तुम्हें पॉइंट आउट किया था।
और आपकी वो गलती मेरे लिए क्या थी मैं आपको नहीं बता सकती। तुम्हें याद तो होगा कि मैंने क्या कहा था। वही बात मैं आज आपको कहती हूँ। आपको ढूंढने के लिए मुझे भी आंखों की जरूरत नहीं। हेलो हेलो जी, मायरा बात कर रही है? जी मैं फारूक बात कर रहा हूँ। उस दिन आपने मुझे मॉल में नंबर दिया था। हाँ याद आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपसे तो उस दिन बात ही नहीं हो पाई। क्या कह रहे थे आप सायरा से? जी मैं एक्चुअली शफक का कजन हूँ। हम लोग गए थे उस दिन शफक की दरबिश्ते के लिए, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आई। लेकिन आपकी बहन सायरा ना सिर्फ मामा को बल्कि मुझे भी पसंद। तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो फारूक अच्छा लड़का है। फारूक तुम उसे कहाँ मिली? देखो गुस्सा नहीं करना। उस दिन जब तुम चली गई थी तो मैंने उसे अपना नंबर दिया था। उसने मुझसे फोन पे बात की है, वो अच्छा लड़का है, तुमसे शादी करना चाहता है। हेलो आइए ना प्लीज बैठिए। I'm sorry, मैंने कॉफी ऑर्डर कर लिया अपने लिए, आपके लिए करूं? नहीं कोई बात नहीं, खाना तो खाएंगे आप। एक्सक्यूज मी प्लीज। मैं ऑर्डर करूं आपके लिए कुछ? मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ, आई नो द फूड। क्या लेंगे आप? बीफ चिकन? चिकन, गर्ल्स लाइक चिकन। ओके देखिए एक मिनट मेरी बात तो सुन लें प्लीज। क्या मतलब है आपका? आप रोड पे भी मेरा पीछा करेंगे? अब आप रोड पर हैं तो इसमें मेरा ही कसूर है। अच्छा सुने मैं आपको घर ड्रॉप कर, बस पे जाती तो बुरी लगेगी ना, ताकि आप मेरा घर भी देख लें। वेरी स्मार्ट, ब्यूटी विद ब्रेन। अच्छा चले आए ना, मेरी गाड़ी बिल्कुल सामने ही आई है। ये घर तुम्हारा है? मेरा अपार्टमेंट है। और तुम्हें पता है ये भी मुझे बॉस ने गिफ्ट किया है। तुम्हारे बॉस कैसे इतनी जबरदस्त चीजें दे देते हैं तुम्हें? कितनी अजीब बात है ना, कोई इन्हें खरीद नहीं सकता और वो ऐसे ही गिफ्ट में दे देते हैं। हर कोई नहीं देता, सिर्फ मेरे बॉस ऐसे। उन्होंने तुम्हें अपना बेटा क्यों बनाया हुआ है? उनका अपना कोई बेटा नहीं है क्या? नहीं उनकी शादी नहीं। क्यों शादी क्यों हुई उनकी? उनकी मर्जी। मैं उनसे खामखा ऐसे सवाल क्यों करूं जिससे मेरा ताल्लुक ही नहीं है। उनका घर कहाँ है? उनका घर तो कहीं और है, लेकिन वो घर तुम सिर्फ तब देख सकोगी जब हमारी शादी हो। घर नहीं एक्चुअली इट्स अ हवेली, दुल्हन की तरह सजेगी हवेली। हवेली फिल्मों में ही सुना था हवेलियों का। अच्छा छोड़ो हवेली को, ये बताओ कि मेरा घर कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। बस तुम बैठो ना, क्या लोगी, चाय कॉफी? चाय अभी लेके आ। तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फारूक के साथ लंच पे गई थी, क्यों क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या मतलब, इतनी देर हो गई और कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारी नजर में। अच्छा फारूक से कब मिलवा रही हो मुझे? क्या मतलब है कब मिलवा रही हो? तुमने मुझे उसे खुद मिलवाया था, अब तुम क्यों उससे मिलना चाहती हो? क्या मतलब है क्यों मिलना चाहती हो? मुझे उससे शादी की बात करनी है, कब करनी है, क्या करना है, किस तरह करना है, ये सब मैं ही तो पूछूंगी। तुम रहने दो ना, मैं बात करके आ चुकी हूँ। कुछ ही अरसे में हम दोनों निकाह करेंगे, पासपोर्ट बनने के लिए जाएगा, फिर वीजा प्रोसेस में जाएगा और फिर मैं दुबई से शॉपिंग करते हुए अमेरिका जाऊंगी। साकिब अगर तुम्हें मुझसे सायरा के बारे में कोई बात करनी है तो प्लीज, अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं पूछ रही मैं, लेकिन मुझे बस इस बात का यकीन दिला दे कि मैंने आपसे शादी करके कोई गलत फैसला नहीं किया। मुझे ये यकीन दिला दें कि मैं आपके और सायरा के बीच नहीं आई। क्यों ऐसा सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो सायरा की आदत है ऐसी बातें करना, वो जानबूझ के ये सब कर रही है क्योंकि उस दिन तुमने उसकी बेइज्जती की थी इसलिए। आपने भी तो कहा था उससे
कि वो दोबारा यहाँ ना आए। अगर वो हमारी शादी पे आई, उसने सबके सामने आपको प्लीज शफा, उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे। वो यही चाहती थी, तुम्हारे दिल में शक डालना चाहती थी, तुम्हारे जहन में ये बातें डालना चाह रही थी, और वो अपने मकसद में शायद कामयाब हो गई है। देखो शफक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आंटी, मैं आपसे मिलने फैक्ट्री जा रहा था, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? खैरियत? ये क्या है? हमारा वादा, डील हुई थी ना तुम्हारे साथ। आंटी, ये डील तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब आपने मुझे अपना बेटा बनाया था। मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन सायरा को है। लेकिन मुझे सायरा की जरूरत नहीं है। आंटी, मैं ये नहीं जानता कि शफक मेरी जिंदगी में कब तक है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सायरा दूर दूर तक अब मेरी जिंदगी में नहीं। उसने मुझे इस्तेमाल किया, और अब पता नहीं क्यों वो मेरी जिंदगी को तबाह करने पर तुली हुई है। तो दे दो उसे ये। सकता है ये मिलने के बाद वो हरगिज नहीं, पतन नहीं, ये सब कुछ शफक का है और शफक का ही रहेगा। मुझे इसकी खत्म जरूरत नहीं है, प्लीज। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कुछ ऑर्डर करो ना, पैसे बहुत है मेरे पास। क्यों, फिर किसी को बेच दिया तुमने? मैंने कभी किसी को नहीं बेचा, लोग खुद ही बेचते चले गए मेरी खूबसूरती के आगे। मैं तो खुद खरीदार हूँ, जिसके पास हर खूबसूरत चीज खुद बेचने के लिए आ जाती है, ऐसे खरीद लेती हूँ सब कुछ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है एक ऐसी लड़की का शोहर बनके जिसके बारे में तुम्हें पता है कि वो मरने वाली है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अल्लाह का डर नहीं तुम्हारे दिल में? जो मुंह में आता है हर किसी के बारे में बोल देती हो तुम। अल्लाह का खौफ है इसलिए अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, वरना तो कब का बता चुकी होती। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम्हें कोई मिल ही गया है तो फिर क्यों नहीं कर लेती उसे शादी? क्यों नहीं जान छोड़ती तुम मेरी? छोड़ दूंगी तुम्हारी जान, कुछ दिन मजे तो लेने दो। उठाओ फोन, कॉल रिसीव करो, वरना शफक का नंबर मेरे पास भी है, उठाओ। हेलो साकिब, मुझे कहना था थैंक यू। किस लिए थैंक यू? फोटो फ्रेम बहुत अच्छा है। मिल गया तुम्हें? हाँ आ गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने मामा को भी दिखाया, बहुत खुश हो रही थी। आप कब तक आ रहे हैं? वो हेलो शफक, कैसी हो? ओ, फोन बंद कर दिया, उसे शायद बुरा लगा। खुश हो गई तुम? सुकून मिल गया? थोड़ा बहुत। वसीम मुझे बार बार फोन कर रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ। तुम्हें और कितना वक्त चाहिए निकाह के लिए? देखिए, मैं सायरा को बता चुका हूँ, बॉस के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको नहीं पता वो किस किस वक्त में मेरे साथ रहे, मेरा सब कुछ वही है। देखो फारूक, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने बॉस की इतनी इज्जत करते हो, मुझे भी खुशी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तुम अभी निकाह कर लो, निकाह के बाद कोई दूसरी सेरेमनी करना बहुत धूमधाम से, जिसमें उन्हें बुला लेना, बल्कि उनके साथ साथ और लोगों को भी बुलाना।
देखिए, आप शायद समझ नहीं रही हैं। मैं बॉस के बगैर हिल भी नहीं सकता। आपका पासपोर्ट जितनी जल्दी बना है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। और फिर 2-3 दिन के लिए उनकी नाराजगी मोल लेना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब। अच्छा, यानी बात बस 2-3 दिन की है? जी। तो ठीक है, इतना इंतजार तो मैं कर ही सकती हूँ। लो, आ गई वसीम की कॉल। हेलो, क्या आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ, कैसे, वसीम कहाँ है? क्या हुआ, सब ठीक है? सारा, वहाँ दुबई में वसीम का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो, तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ देखो सायरा, मेरी तुम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तुम उसका मुझे ये सिला दे रहे हो। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? तुम्हारी कुर्बानी। मैंने तो मदद की थी शफकी की एक लड़की मरने वाली है, उसको अपनी सबसे कीमती चीज उठा के दे दी, और पूरी दुनिया के सामने मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। तुम और तुम्हारी चैरिटी एक होकर मुझे उठा के फेंक दिया। देखो सायरा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे अभी जवाब दो, मेरी बात का भी जवाब दो तुम साकिब। सायरा सुनो, मैं इस वक्त किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। नहीं, मुझे अभी जवाब दो, बताओ कि मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ गलत थी? सायरा प्लीज। कैसे आई थी उसकी चालाक माँ मुझसे मेरी मोहब्बत की भीख मांगने, और मैंने इतनी मासूमियत के साथ तुम्हें उनकी झोली में दे दिया। उसके बाद मुझे क्या मिला? तुम थे, तुम भी चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेरी नेकी का सिला मिल गया। मेरी शादी हो रही है ना फारूक के साथ। लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी साकिब। आज 1 बजे मैं तुम्हारा उसी होटल में इंतजार कर रही हूँ। 1 से 5 मिनट भी ऊपर हुए ना तो खुदा की कसम मैं शफक को सब कुछ बता दूंगी। अरे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझ आई मेरी बात की? और मैं 1 बजे नहीं आ सकता। 2 बजे? 2 बजे भी नहीं आ सकता। 3 बजे? देखो सायरा मैं 4 बजे, मैं 1 से 4 बजे तक तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगी, तुम्हें कोई फोन नहीं करूंगी। लेकिन मैं वहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। तुम 4 बजे तक वहाँ पे आ जाना। देखें, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, दिमाग के उस हिस्से में ट्यूमर का होना जो कि खुद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत कम देखा गया है। इसका ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल है। अगर इनको बाहर भेजा जाए या कोशिश की जाए ऑपरेशन की तो? मैं आपको कहने ही वाला था कि हम कोशिश भी नहीं कर सकते, बाहर ले जाने का भी फायदा नहीं क्योंकि ट्यूमर बहुत ज्यादा फैल चुका है। इन केस अगर हम या कोई और इनको ऑपरेट भी करता है तो 90% चांस यही है कि वो कोमा में चली जाए। लिहाजा मेरा सजेशन तो यही है कि इनके पास जितने भी दिन बचे हैं इन्हें सुकून से रहने दें और उन्हें खुश रखें। हेलो शफा। सायरा तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती? आज मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी शफा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। अच्छी बात है। लेकिन एक काम था मुझे तुमसे। क्या काम? हाँ वो, अब मैंने तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। तुम क्या समझ रही हो साकिब तुमसे मोहब्बत करता है? सारा, इस बात की गारंटी मुझे तुमसे नहीं चाहिए। अरे भीख में दिया था मैंने उसे तुम्हें, भीख में। तुम्हारी माँ भिखारियों की तरह रो रही थी मेरे सामने। क्या मामा तुमसे किस चीज की भीख मांग रही थी? साकिब की, ताकि साकिब तुमसे शादी कर ले। और तुम? मैं क्या? सायरा बोलो, मैं क्या? ऐसा क्या है जो तुम लोग मेरे बारे में जानते हो? सायरा प्लीज मुझे बताओ। तो सुन लो, ताकि मरने से पहले तुम कुछ दिन खुशी के गुजार लो। मरने से पहले? तुम क्या समझ रही हो, वो सर का दर्द मामूली है जो तुम्हें इतने अरसे से हो रहा है? ट्यूमर है वो, मरने वाली हो तुम। और ये जो ड्रामा है ना तुम्हारी शादी वादी का, ये सब कुछ ये मैंने तुम्हें भीख में दिया है, वरना साकिब तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता।
उसने तो सब कुछ दौलत के लिए किया है, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था जो लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देंगी। वरना जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें कोई एक नजर भी भर के देख ले तो बहुत है तुम्हारे लिए। ये सब कुछ ना मेरा एहसान है, मैंने रहम किया तुम लोगों पर, तुम लोग मुझे नीचा दिखा रहे। सुनो तुम बता देना साकिब को, ये क्या? अरे बेटा शफ़क, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तुमसे झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही थी आप? क्या कह रही हो शफ़क? आपने मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया है मामा। ट्यूमर है, मैं बढ़ने वाली हूं, और आप मेरी जिंदगी के लिए, मेरी खुशियों के लिए भीख मांगने मेरी दोस्त के पास चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है शफ़क, साहिरा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि साकिब किसी और से। कौन साकिब? किसी साकिब को नहीं जानती। और आप मामा भीख मांगने गई थी जायरा के पास कि आपकी बेटी मरने वाली है, उसकी झोली में साकिब डाल दिया जाए। मामा मुझे अपनी बीमारी का इतना दुख नहीं है, लेकिन जो हाथ उन्होंने मेरे साथ किया है बड़ा धोखा दिया है ना, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। पैसे चाहिए आपको? कितने बताओ, कितने पैसे चाहिए साकिब? सब दे दूंगी तुम्हें, मेरी जिंदगी से जाने के कितने पैसे चाहिए वो भी बता दो। मायरा को तो सुकून मिला होगा निकाह का सुनके। सब कुछ इतना अचानक से फारी, मैंने तो अपनी शादी में इतने लोगों को बुलाना था। नहीं देखो, बॉस का मिलना बहुत मुश्किल है, तुमने खुद ही तो देखा कितने दिन बाद फोन करते हैं वो मुझे। अभी वो यहाँ हैं, कल किसी और मुल्क चले जाएंगे। मेरी तो एक ही दफा बात हुई और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे फटाफट निकाह करना है। फारूक मैं सुकून में नहीं हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसने तुम्हें धोखा दिया था और शफ़क ने भी अपनी दोस्ती का खूब फायदा उठाया। फारूक मैंने गलत किया है, मैंने कहीं ना कहीं जरूर कुछ गलत किया है। सारा प्लीज, तुम जानती हो तुम रो इसलिए रही हो क्योंकि तुम ठीक हो, सही हो। गलत करने वाले कभी रोते हैं क्या? तुम देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या किया तुमने सायरा? क्या किया ये तुमने? तुम्हें क्या मिला मेरी जिंदगी में जहर? जहर तो तुमने मेरी जिंदगी में घोलने की कोशिश की, मैंने तो सिर्फ बदला लिया है। तुम जानते हो शफ़क की हालत क्या है? तुम जानते हो उस वक्त मेरी क्या हालत थी जब तुमने मुझे जलील करके अपने घर से निकाला था? तो तुम मुझसे लेती बदला? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, शफ़क से तो नहीं? उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ है? साकिब तुम जानते हो मेरी तुमसे ना दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। हाँ शफ़क से मेरी दोस्ती थी, लेकिन दुश्मनी उसके साथ भी थी। मैंने हमेशा अपने लिए तुम्हारी आंखों में खास किस्म की मोहब्बत महसूस की, लेकिन कुछ अरसे बाद ही मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ उसी मोहब्बत से देखो जैसे पहले देखा करते थे। लेकिन शफ़क से मेरी दुश्मनी भी तुम्हारी वजह से थी और उसने उसी की कीमत चुकाई। तुमने जो मेरे और शफ़क के साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। और मैं छोड़ूंगा नहीं।
गन लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं उसको जान से मार दूंगा। किसको? सायरा को और किसको? फिर क्यों? तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? इतना कुछ कर दिया उसे तुम्हारे साथ, तुम चाहती हो ना उसे बदला लेना? मैं हिसाब बराबर करूंगा उससे आज। साकिब रिलैक्स, कोई तरीका नहीं है उसे बदला लेने का, छोड़े इसे। शफक हटो, हटो, छोड़ दो। साकिब, इस तरह तो मैं आपको भी खो दूंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम हटो यहां। नहीं, आप प्लीज इसे छोड़ दें, आपको मेरी कसम है इसे छोड़ दें। प्लीज। शादी कर रही है। वो जो भी कर रही है उसे करने दे। मुझे ना तो उससे कोई बदला लेना है और ना ही उसे सजा देनी है। मेरा अल्लाह सब देख। बॉस का घर है? ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बढ़ के। अभी तुमने पूरा घर देखा ही कहाँ? पूरा घर देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आ तुम्हें दिखा दूँ। बहुत खूबसूरत घर है। इस घर में रहने वाले लोग कितने खुशनसीब होंगे ना। देखो वो मेरे बॉस हैं, तो उनका घर भी तो घरों का बॉस होगा। वैसे अब तो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलने का और भी ज्यादा शौक हो गया है। जिस बंदे का इतना खूबसूरत घर हो, इतनी खूबसूरत चीजों का मालिक हो, खुद कैसा होगा? लेकिन उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सब कुछ तो है उनके पास। मर्जी के मालिक हैं, जब करनी होगी शादी कर लेंगे, उन्हें क्या मसला है। अच्छा सुनो, तुम्हें बॉस से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बता चुका हूं कि तुम्हें गरीब घराने की और उनको उस पर कोई एतराज नहीं। ओके? अरे यार, ये काजी साहब कहाँ रह गए? लिसन, यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं जरा पूछ के आता हूँ काजी साहब का। ओके। ओके? आपको साहब ने बुलवाया? मुझे? फारूक काजी को लेने गए हैं, वो जैसे ही आते हैं तो हम दोनों आते हैं साथ। नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको बुलवाया। आइए। जी बैठो। वो फारूक काजी को लेने गया है, बस आता ही होगा। ठीक कह रहा था फारूक, तुम बहुत खूबसूरत हो। जी आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। इस घर में हर वो चीज जिसकी कोई इंसान ख्वाहिश करता है
और उस चीज को हासिल करने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लुटा देता है। वो सारी चीजें खूबसूरत मुझे खूबसूरत चीजें बहुत पसंद। क्या हुआ, डर गई? नहीं, वो फारूक कब तक आएगा? फारूक वो अब यहाँ क्यों आएगा? नहीं, वो काजी को लेने गया है ना, आज शादी है हमारी। शादी? काजी, क्या बात कर रही हो, वो अब यहाँ नहीं आएगा? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है शायद, आज मेरी और फारूक की शादी है ना, हम दोनों आप ही का इंतजार तो कर रहे थे। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता तो मेरा इंतजार क्यों करता, ये सोचा है तुमने कभी? नहीं, वो फारूक ने मुझे बताया कि वो कोई भी काम आपसे पूछे बगैर करता ही नहीं है, इसीलिए हम दोनों आप वो तुम्हें यहाँ मेरे लिए छोड़ के लिए। आपके लिए? लेकिन वो गया कहाँ है? वो चला गया तुम्हें छोड़ के, अब तुम यही रहोगी मेरे पास जब तक मैं चाहूं। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों रहूंगी आपके साथ? फारूक कहाँ है? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे मेरे घर जाना है। अगर की आने से पहले यही कहती तो फिक्र क्यों करती हो? तुम यहाँ 2-3 रोज मेरे साथ रहोगी, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, जा जाओ, चली जा। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। यार कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब झूठ है। यहाँ आने वाली हर लड़की जिससे फारूक शादी का वादा करता यहाँ लाता हुई यही कहती, तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेली होती। अब फिर मुझ जैसे शानदार मर्द के साथ टाइम गुजार के हंसी खुशी यहां से चली जाती। मुझे फारूक की बात बहुत अच्छी लगती है, वो जानबूझकर ऐसी लड़कियों को यहां लेके आता है जिनके पीछे मर्द की गैरत का टैग नहीं होता। तुम ये सूट और ये जेवरात लेके यहां से चली जा, तुम पैसे भी दूंगा मैं, ले जा। अब तुम सिर्फ मेरी। मतलब? मैंने तुम्हें फारूक से खरीद लिया। सहरा बेटा, मैं यहाँ कैसे आई? बेटा, तुम रात को गेट के बाहर बेहोश पड़ी थी, चौकीदार ने मुझे बताया तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। मागुल तुम्हारे लिए मेरा कमरा ठीक कर रही है। बेटा, शुक्र करो तुम यहाँ तक पहुंच गई थी, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो क्या होता? सायरा, सायरा बेटा, अरे मैं तो बहुत तेज बुखार है। मागुल, मागुल जरा जल्दी डॉक्टर को बुलाएं। या अल्लाह। गुल बीवी जी, क्या हुआ, किसकी तबीयत खराब है? जी वो शफक तो बिल्कुल सही है, अभी मैं उसके साथ था। आंटी कहाँ है?
बीबी जी ठीक है? बीबी जी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो हटो। आंटी ये डॉक्टर ये यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बीमार है। जो भी है मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ क्या कर रही है? मुझे खुद नहीं पता, गेट पे बेहोश पड़ी हुई थी, सारी रात बारिश में भीगी है। लेटी रहो डॉक्टर तुम्हें चेक करके गया है, उसने बताया कि तुम्हें बुखार है और बहुत कमजोरी है। अब जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो जाए तुम यहीं रहो। क्यों मुझे लेकर आई यहाँ पर? मरने देती मुझे? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कुछ खा लो और फिर दवा ले लो, बाद में बात करेंगे। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? आपके रहम के काबिल नहीं हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी तुम इसी दरवाजे पर आई और कहीं नहीं गई, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें यकीन था कि इस घर से तुम्हें तहफ्फुज़ मिलेगा। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। क्या हुआ है मामा, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। साकिब कहाँ है? कमरे में। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेट गए हैं सोने के लिए। और यहाँ आप लोग फिर से मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? कुछ नहीं छुपा रहे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो जरा हिम्मत से सुनना। सायरा मेरे कमरे में। क्या? सायरा आपके कमरे में? उसे इस घर में घुसने किसने दिया है? मैं लाई हूँ उसे अंदर। क्या मामा, आपको अच्छी तरह से पता है ना कि उसने मेरे साथ क्या किया था? अच्छी तरह जानती हूँ। फिर क्यों लाई है मामा? बेटा वो बीमार है। तो हॉस्पिटल जाए, यहाँ क्यों आई है? मैं उसे यहाँ नहीं रुकने दूंगी, मैं उसे अभी इस घर से निकाल। ठहरो शफक, मैंने उसे यहाँ रोका है। आप चाहती हैं मैं वक्त से पहले मर जाऊं? अल्लाह ना करे बेटा, तो एक दिन सब्र कर लो, वो चली जाएगी, बीमार है बेटा। थैंक यू मामा, अब आप भी मेरी दुश्मन बन गई। उठो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक दो दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों हो सायरा? देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? ऐसी बातें मत करो, तो मैं भी गई हूँ। मेरे साथ ये फजूल डायलॉग मत बोलो, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे ड्रामेबाजियों से। मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकलो मेरे घर से। प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक दो दिन बाद चली जाऊँ, वो लोग मुझे कहीं और ले जाएंगे। शफक क्या कर रही हो बेटा? मामा मैं इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे जाना होगा यहाँ से। शफक मेरी बात सुनो, देखो वो बीमार है, परेशान है, और फिर तुम्हारी बचपन की दोस्त है। दोस्त है? ये दोस्त ऐसे होते हैं मामा? मामा जो दोस्त होते हैं ना वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करते। ऐसे की लालच मंदी हो गई थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो अब मैं अंधी हो गई, मुझे भी कुछ नजर नहीं आएगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे जाना होगा। चलो मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, उठो चलो। शफक प्लीज ऐसा मत। शफक, शफक बेटा, शफक, शफक बेटा, शफक। साकिब, मामा आपको डॉक्टर ने बताया ना
मैं माँ बनने वाली हूँ साकिब, माँ बनने वाली हूँ। हाँ बेटा, तुम माँ बनने वाली हो। Congratulations. मैं बहुत खुश हूँ साकिब, मैं आपको बता नहीं सकती। मामा, कि वो ही बाहर है जिसका मुझे इंतजार था, और मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे खुशी जरूर दिखाएगा। मैं बहुत खुश हूँ साकिब, बहुत खुश हूँ मैं। हम कितना छोटा सोचते हैं ना, हर छोटी छोटी बात पर खुदा से शिकायत करते रहते हैं, और वो हमारे लिए कितना बड़ा सोच कर बैठा होता है। अब देखें, मेरी विशलिस्ट पर कहीं था ही नहीं कि मुझे माँ बनना है। शफक, एक बात कहूँ, मानोगी? आज मैं आपकी सब बातें मानूंगी, कहें? शफक, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे लिए माँ बनना मुनासिब नहीं है। क्या? शफक, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे साथ पहले एक बीमारी जुड़ी है, और अब ये वो बीमारी है। साकिब, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर से कहना ये है कि तुम माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर्स कौन होते हैं ये कहने वाले? वो ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं साकिब कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं? शफक, वो डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी सेहत मजीद बिगड़ सकती है, माँ नहीं बन सकती। शफक, तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। मैं आप ही का वेट कर रही थी। आंटी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। लेकिन वहां तो कोई नहीं है। जानती हूँ, लेकिन शफक जब भी मुझे देखती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद नुकसान उठाए। तुम शफक की दोस्त हो, उसके दर्द को समझती हो। अभी वो गुस्से में है, जब उसका गुस्सा खत्म होगा तो देखना, सबसे पहले तुम्हारे गले लग के रोएगी वो। तुम यही रहो। ये तुम्हें क्या हुआ? वो मेरे पीछे। तुम्हें तो आंटी ने बाहर जाने से मना किया है ना, तो कहाँ गई थी तुम? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं भी जाऊं? बात तो सही है, मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, मुझे बिल्कुल तुमसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी खाला की बेटी हो, इसीलिए कंसर्न हूं। और वैसे भी इंसान ने जिसके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारा हो, उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। चलो, सुन के खुशी हुई कि गुजरा हुआ वक्त तुम्हें याद है। खैर, जो भी था वो गुजर चुका है, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। अब मेरी जिंदगी शफक के लिए है, सिर्फ शफक के लिए। मैं भी यहाँ तुमसे किसी मोहब्बत की उम्मीद में नहीं आई, बेआसरा हो गई। हर वक्त डर लगता, ऐसा लगता है जैसे वो मेरा पीछा कर रहा है, वो कभी भी आ जाएगा यहाँ। ये जो कुछ भी है तुम्हारा अपना ही किया धरा है। तुम यही कहती थी ना कि जब चाहो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हो, तो शायद कोई बन गया होगा तुम्हारा दीवाना। एनीवे, तुम जब तक चाहती हो
यहां रह सकते हो। कम से कम जब तक यहां रहोगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। शफक मुझे बहुत बुरा समझती है। ये तो तुम्हारा और उसका मामला है। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है क्योंकि तुम्हें यहां रहना है और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि जरूरत के वक्त किसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफी? मुझे हंसी आ रही तुम्हारी इस बात पे। तुम जैसी लड़की माफी मांग रही, हैरत की बात है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तुम ही तो कहते थे ये सब कुछ मुझसे। एक बात याद रखना सायरा, अगर शफक के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ तो हमेशा वही सब कुछ होता है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बजाहिर तकलीफ में तो शफक है ना, बहुत बीमार है ना वो। मेरी तकलीफ मेरा दर्द किसी को नजर नहीं आता क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे मरने का वक्त नहीं बताया। तुम्हें क्या पता मैं कितनी तकलीफ हूं। हर बार मरती हूँ, हर बार टूटती हूँ, हर बार खुद को समेटने की कोशिश करती हूँ। ये सजा है तुम्हारी, तुम्हारे लालच की सजा। ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ, बल्कि इससे भी बुरा। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम भी तो शरीक थे ना मेरे साथ, तुमने भी तो मोहब्बत की थी मुझसे। ये सब कुछ ड्रामा था, वरना ऐसे कैसे हो सकता था कि मैंने तुम्हें भेज दिया और तुम यहाँ पे आके मजे से रहने लगे। बुरा तो तुमने भी सोचा था, नियत तो हम दोनों की एक ही थी ना। और जब तुम अपनी गलती का अजाला कर सकते हो तो फिर मेरे अच्छा करने पे तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? क्योंकि सायरा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम्हारा भरोसा वापस जीत पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन शफक से माफी मांग के रहूंगी। मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई। आंटी आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? शफक ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए। अरे बेटा, शफक ने तो तुम्हें हल्के हल्के रंगों के कपड़े दे दिए। तुम्हारे ऊपर ये कलर अच्छा लगेगा, बहुत सूट करेगा तुम्हें। आंटी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा। कहते हैं कि सारी माँ एक जैसी होती है। मैं आपसे माफी मांगू तो क्या मेरी अम्मी मुझे माफ कर देगी? अरे बेटा कैसी बातें कर रही है। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। अरे नहीं, आओ बेटा। मैं इसके पास आई तो ये बहुत उदास हो रही थी, इसलिए रुक गई मैं। तो तुम मुझे बुला लिया करो सायरा, मैं भी तो सारा दिन घर पे बोर हो रही होती। ये मैं सायरा के लिए लेकर आई। मैं सायरा को कपड़े दे चुकी हूँ मामा। कोई बात नहीं बेटा, एक मेरी तरफ से भी सही। इसे इतने ब्राइट कलर्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन मेरे बच्चे की है, इसके नहीं। लेकिन मैंने नहीं मांगा ये, आंटी खुद लेकर आई मेरे लिए। हाँ तुम आंटी आंटी करके अपने सब काम निकलवाती रहे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सारा कि तुम क्या करना चाह रही हो। तुम चाहती हो कि तुम सच संभल कर साकिब के सामने आओ ताकि वो फिर से तुम पर फिदा हो जाए। अच्छी लगती हो रोते हुए, ऐसे ही रहा करो। mm-hmm. Mm-hmm.
अब हम उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ये देखें, ये होना था। जैसा मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी से फाइट की है, अगर कोई और होता तो ये सब कुछ बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकती हैं। मैं शफक से वादा कर चुका हूँ, मैं उसको उसका बच्चा देखे बगैर नहीं मरने दूँगा। तो मैं तुमसे माफी मांगनी हूं, लेकिन सोच रही हूं कि किस मुंह से माफी मांगू। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी भी या नहीं, बल्कि ऐसा करो कि तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। इन सब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? इतने अरसे से तुम्हारे घर रह रही थी कि तुमने एक बार भी मुझसे दोस्तों की तरह बात नहीं की। शफक, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया? प्लीज तुम मुझे बताओ शफक, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं नहीं लूंगी तुमसे तुम्हारा साकेत, वो हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। बेशक हमारे झगड़े की वजह साकेत बना, लेकिन हमारी दोस्ती की वजह तो साकेत कभी भी नहीं था। क्या मैं हमेशा इस जख्म के सहारे जिंदा रहूंगी कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई? शफक, प्लीज मेरी बात का जवाब दो। बताओ शफक, प्लीज बताओ। मुबारक हो बेटी और शफक, उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। तो क्या शफक अपनी बच्ची को देख नहीं पाएगी? देखिए, अभी तो वो बेहोश है, कुछ भी कहना कबल स्वस्थ होगा। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि उन्हें होश आता भी नहीं। वैसे मेरी विश है कि वो अपनी बच्ची को देख पाए, लेकिन बेबी काफी वीक है, इसलिए हमने बेबी को इंक्यूबेटर में। शफक, 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 देखो मैं किसको लेके आया हूं। हमारी बच्ची शफक, आंखें खोलो, इसको देखो, देखो इसका चेहरा, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। देखो तो शफक, प्लीज आंखें खोलो। शफक, शफक मेरी बच्ची, आंखें खोलो, एक बार तो आंखें खोल के अपनी नन्ही सी परी को देख लो। शफक बच्ची तुम्हारे साथ कितने सुकून में है। सबा, हमारी बेटी सबा, यही नाम डिसाइड किया था ना तुमने? देखो तो, तुम्हारे साथ कितनी खुश लग रही है। प्लीज शफक, आंखें खोल कर एक बार उसको देखो तो।
शफ़क कहाँ जा रही हो तुम? बस आंटी, अब मैं चलूंगी। लेकिन जाओगी कहाँ? मायरा ने सारा इंतजाम कर लिया है, मैं उसके पास दुबई जा रही हूँ। क्यों जाना चाहती हो सायरा? आंटी क्यों रोक रही हैं आप मुझे? अब मेरा इस घर में और है ही कौन? अब इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता मुझसे रूठ के चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। इस घर की एक एक दीवार से, एक एक शह से मुझे उसकी आवाज आती। मैं अब यहाँ जा के भी नहीं रुक सकती आंटी। ये तुमने कैसे कह दिया कि यहाँ अब तुम्हारा है ही कोई नहीं? मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं। और ये, इससे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा? सिर्फ एक काम कर दीजिएगा, ये जब बड़ी होगी तो उसको यही मत बताइएगा कि इसकी माँ की कोई मुझ जैसी दोस्त थी, वरना कभी भी दोस्त नहीं बनाएगी। सायरा, मैं चाह रही थी कि तुम इसको माँ बनकर नहीं पाल सकती। तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा साकिब समेत। क्या आपको लगता है मैं ये सब कुछ दौलत के लिए कर रहा था? अगर तुम ये समझ रहे हो साकिब कि मैं तुम्हें ऐसा समझती हूं, तो फिर तुम मुझे समझे ही नहीं। मैं एक माँ हूं, तुम्हें बेटा कहा है, और एक माँ का सबसे बड़ा ख्वाब यह होता है कि अपने बेटे को हर हाल में खुश देखे और उसको दुनिया की हर वो चीज दे जो वो चाहता है। मैं तो शफक को चाहता हूं आंटी, आप मुझे शफक लाके दे सकती? काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन तुम मेरी खुशी के लिए, शफक की खुशी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। शफक की खुशी? हाँ, शफक ये चाहती थी कि तुम दोनों की शादी हो जाए। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो ऐसा ही चाहती थी मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं चाहती थी वो आंटी। अगर वो ऐसा चाहती तो मुझसे एक बार कहती। तो आप इसको मत रोके, जाने दे इसको यहां से। तुम जाना नहीं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि शफक क्या चाहती थी। मैं जानती हूँ कि जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी, मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ। मामा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप ना होती तो साकिब भी मेरी जिंदगी में कभी ना आते। आपने हमेशा मुझे खुश रखा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मामा। और साकिब, आपने मेरी जिंदगी के हर एक गम को बहुत खूबसूरती से खुशी में बदल दिया। आपके साथ बताया हुआ हर एक वक्त, हर एक लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त। मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी जिंदगी है साकिब। सायरा, पता नहीं तुम गलत थी या मैं, या शायद जब तुम गलत थी तब मैं सही थी, और जब तुम सही थी तब मैं गलत।
मैं जानती हूँ तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन तुम्हें देखकर हमेशा मुझे गुस्सा आता था सायरा। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा बुरा लगता था कि कुछ तो दे देता मेरा अल्लाह मुझे। दोस्त थी तो मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत थी तो दोस्त नहीं थी, और जब मोहब्बत और दोस्त दोनों थे तब मैं बेबस थी। सायरा, मैंने हमेशा चाहा कि मैं तुमसे कहूं कि तुम ही साकिब के लिए बनी हो, मगर मुझसे कभी ऐसे अल्फाज इकट्ठे ही नहीं किए गए। तुमसे लड़कर, तुम्हें तड़पाकर मुझे तकलीफ भी होती थी और सुकून भी मिलता था, लेकिन माफ तो तुम्हें मैंने तभी कर दिया था सायरा जब तुम मेरे घर आई थी। सायरा, मैं बहुत हिम्मत इकट्ठा करके तुमसे एक बार भीख मांगना चाहती हूँ। क्या तुम साकिब से शादी करोगी? क्या तुम मेरी बच्ची को पालोगी, उसके साथ वैसे ही खेलोगी जैसे बचपन में हम खेला करते थे, उससे मेरे बारे में हर वो बात बताओगी जो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता? सायरा, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। साकिब और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं तो बस अपने हिस्से की खुशियां समेटने के लिए तुम दोनों के बीच आ गई थी, और बहुत खूबसूरत यादें लेकर इस दुनिया से जा रही हूं। जाते जाते तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। काश ऐसा हो कभी मेरे आंसू तेरी आंखों से छलक जाए, तेरी जिंदगी का बुझता दिया फिर से दमक जाए। तुम मांगे कोई गम, मगर खुशियां तेरा नसीब बन जाए। तेरे सर्द वजूद पर भी इश्क का निखार आ जाए। काश ऐसा हो कभी तेरी जिंदगी में भी चुपके से बहार आ जाए। मैं अपनी जिंदगी अपनी बेटी की आंखों से देखूंगी। मेरी बेटी की खुशी के लिए जरूरी है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, उसे माँ बाप का प्यार दो। अपना और मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। सोचा तुमने साकिब? किस चीज के बारे में आंटी? सायरा जा रही है बेटा। कोई नई बात नहीं है, पहले भी जा चुकी है। लेकिन इस बार जो वो जाएगी तो दोबारा वापस नहीं आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसके बगैर जीना सीख लिया है। लेकिन कब तक? हमेशा के लिए। बेटा, ऐसे जज्बाती फैसले मत कर। तुम्हारे आगे एक लंबी उम्र पड़ी है, किस तरह गुजारोगे ये पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा? तन्हा तो नहीं, मेरी बेटी है मेरे साथ, उसी के सहारे गुजार रहा। मैं जा रही हूँ। आपने मुझे जिस तरह रखा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। माएँ बच्चों पे एहसान नहीं करती है बेटा।
मैं जब भी पाकिस्तान आऊंगी आपसे और सभा से जरूर मिलूंगी। जब वापस आना ही है तो जा क्यों रही हो? मैं यहां नहीं रुक सकती। जब हम तुम्हें यहां रखना नहीं चाह रहे थे तब तुम जाने को तैयार नहीं थे। आज रोक रहे हैं तो रुकने को तैयार नहीं। किस हक से रुकूंगी? सभा की मां के हक से। हाँ, सभा की मां के हक से। साबित करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास, लेकिन ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इधर आओ साहब। खुश रहो, अल्लाह तुम दोनों को सुखी रखे। तेरे लक दे हुलार।